हेलो भाई लोग, जैसा कि आज का हमारा ये वीडियो भाई आहूजा का DX3502 इस एम्पलीफायर के ऊपर होने वाला है। जैसा कि अगर आप ये एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो भाई वीडियो में लास्ट तक बन रहे हैं कि ये एम्पलीफायर का न्यू प्राइस रेंज कितना है और सेकंड हैंड ये एम्पलीफायर हमको कितने प्राइस रेंज में मिल गया था। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, फुल डिटेल के साथ ये वीडियो होने वाला है। और साथ ही साथ में जैसा कि इस एम्पलीफायर का साउंड टेस्टिंग कैसा रहता है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इस एम्पलीफायर को जैसे कि भाई अंदर से हम खोल के दिखाएंगे आपको कि इस एम्पलीफायर का अंदर कंडीशन कैसा है। जैसे कि इस एम्पलीफायर को आप देख सकते हैं 3 से 4 साल पुराने ये एम्पलीफायर है। और अंदर का कंडीशन देखते हैं, जैसा कि बैक लुक में आप देखेंगे भाई, जैसा कि बैक लुक से देखने के बाद कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता। जैसा कि कंपनी का फिटेड अभी हर एक चीज़ हमको इस एम्पलीफायर में देखने को मिलता है। तो चलिए अब दिखाते हैं जैसा कि इस एम्पलीफायर को खोल के जैसा कि अंदर का पार्ट जो है हमारा कुछ चेंजिंग हुआ है या नहीं भाई। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं भाई, अंदर में काफ़ी धूल जम गया है। जैसे कि एम्पलीफायर में देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा धूल जम गया है, धूल मिट्टी, और जो कि एम्पलीफायर में ज़्यादा वर्क नहीं हुआ है। एम्पलीफायर का कंडीशन देख सकते हैं अंदर से, सब जैसा कि कंपनी का फिटेड है। जो अभी मासपेड देखेंगे, हर चीज़ इसमें देखेंगे भाई, अभी कंपनी का फिटेड ही हमको देखने को मिलता है। कुछ ऐसा जैसा कि बाहर से भाई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता इस एम्पलीफायर में। ऐसा नहीं है भाई कि ये इस एम्पलीफायर में कुछ ना चेंज हुआ हो भाई, कुछ ना कुछ पुराना एम्पलीफायर है भाई, ऑपरेट करने वाले गड़बड़ रहेंगे तो भाई हर एम्पलीफायर ख़राब हो सकता है। नहीं तो भाई जैसा कि ये आहूजा का ऐसा एम्पलीफायर है, जल्द इस एम्पलीफायर में उतना काम नहीं आता। जैसा कि भाई अगर ओम मैचिंग हम इसमें करके लगाते हैं भाई, जल्दी फॉल्ट नहीं आएगा। और लाइट का और जैसा कि ओवरलोड नहीं डालना एम्पलीफायर पे, कोई भी एम्पलीफायर हो भाई जल्दी ख़राब नहीं होता। हर एम्पलीफायर में यही सब ध्यान में रख के चलाना होता है। कोई भी एम्पलीफायर हो तो आपका एम्पलीफायर जल्द नहीं ख़राब होगा। और आहूजा का ये एम्पलीफायर है भाई, इसमें जल्द हमको फॉल्ट देखने को नहीं मिलता। तो चलिए हम आपको साउंड चेक सुनाते हैं जो कि इस एम्पलीफायर का। तो हमारे यहाँ इस समय लाइट नहीं है, हम अपने जंक्शन से जैसे कि 15 kV जंगलेटर से चला के दिखाते हैं। वोल्टेज देख सकते हैं 236 पे जैसे कि भाई फिटेड है। आपको वोल्टेज ध्यान में रख के ही एम्पलीफायर चलाना है। कोई भी एम्पलीफायर हो, वोल्टेज ध्यान पर रख के चलाएंगे भाई, जल्द फॉल्ट नहीं आता। और जैसे कि ओम मैचिंग करके लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया भाई, एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है, दोनों फ़ैन। जैसे कि भाई ऑन करोगे भाई तुरंत चलता है, उसके बाद जैसे कि फ़ैन देखेंगे भाई आप, यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो जैसे कि इस एम्पलीफायर में ये चीज़ हमको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, ओवरलोड होने के बाद जैसे कि एम्पलीफायर हीट होगा तो ये फ़ैन अपने आप ही चल जाएगा। तो हम आपको साउंड चेक में ये भी दिखाएँगे कि हमारे इस एम्पलीफायर पर लोड पड़ने के बाद भाई ये फ़ैन अपने आप चलता है या नहीं। तो चलिए हम आपको साउंड चेक सुनाते हैं। डीजे गोलू बाबू कहते हैं, किंग ऑफ जामुनीपुर जिला जौनपुर वाले। हम हैं मंगल डीजे खुटहन वाले। अरे आओ चमचो आओ आओ, क्या सोच कर आए थे कि हम हार जाएंगे? आठू ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है रे, बहुत बड़ी। हम हारने के लिए नहीं, हम हराने के लिए पैदा हुए हैं रे। हम हार डीजे गोलू बाबू, किंग ऑफ जामुनीपुर जिला जौनपुर वाले। भाई इस एम्पलीफायर का बेस जो निकल के आ रहा था काफ़ी ख़तरनाक निकल के आ रहा था। जो भाई बेस था काफ़ी प्रेशर के साथ निकल के आ रहा था।
तो भाई रह जाता है इस एम्पलीफायर का एम्प्रोक्स प्राइस। जैसे कि यह इस एम्पलीफायर का प्राइस आप नया लेने जाएंगे तो भाई इस समय मार्केट में भाई 52,000 ये इस एम्पलीफायर का एम्प्रोक्स प्राइस चल रहा है। कहीं भी लेंगे तो भाई इस एम्पलीफायर का प्राइस यही आपको देखने को मिल जाएगा न्यू। और सेकेंड हैंड जो कि भाई हम इस एम्पलीफायर को लिए हैं 36,000 में ये एम्पलीफायर हमको मिला है हमारे मार्केट। तो भाई इस एम्पलीफायर को अगर आप यूज कर रहे हैं, इस एम्पलीफायर का रिस्पॉन्स कैसा रहता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और आपके अपने मार्केट में ये एम्पलीफायर कितने प्राइस रेंज में मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और भाई आपको ऐसा एम्पलीफायर अगर आहूजा का एम्पलीफायर आपको सेकंड हैंड में चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई जो भी एम्पलीफायर आएगा तो हम भाई आपको जैसे कि बता पाएंगे भाई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जल्द से जल्द वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही भाई, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।